सो हेलो गाइज, दिस इज मी योर अवेश राजपूत। वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू वीडियो। सो कैसे हैं आप लोग गाइज? आई होप आप सब होंगे बहुत ज़्यादा बढ़िया। गाइज बढ़िया हो तो बढ़िया ही होना चाहिए। सो गाइज, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए आपकी फेवरेट V4। आपके लिए करने वाला हूँ रिव्यूज वाली बाइक का पूरा। सो गाइज, जहाँ तक मुझे पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेंड करती है नंबर वन पे V4 R15। V3 पहले V3 का रास्ता, अब चल रहा है V4 का रास्ता। सो गाइज, आज मैं बताने वाला हूँ कुछ इसकी खासियत एंड कुछ उसकी बुराई। सो गाइज, वीडियो भी बने रहना, आगे देखना आगे तक। तो गाइज, आप लोगों की मोस्ट फेवरेट बाइक V4। सो गाइज, अभी बात करते हैं V4 की। तो गाइज, कुछ इसके बेनिफिट्स एंड कुछ इसके लॉस। भाई क्या इसका बेनिफिट्स है, क्या इसके लॉस है? भाई आप लोगों की इतनी ज़्यादा फेवरेट बाइक है, इतनी ज़्यादा डिमांड आती है। तो गाइज, ये वाला मेरा न्यू चैनल है, तो गाइज इस वाले चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो। सो गाइज, जैसे कि ये V4 यामा आप लोगों की और हमारी फेवरेट बाइक रहती है ऑल टाइम। सो गाइज, इस वाली वीडियो को इसी वजह से अभी कभी लाइक कर दो एंड चैनल पे जो न्यू है अभी कभी सब्सक्राइब कर दो। सो गाइज, ये वाला मैंने न्यू चैनल बनाया, अपना सेकंड चैनल बनाया। सो गाइज, मेरा जो फर्स्ट चैनल था वो यार डिलीट हो चुका है, कुछ किसी कारण से वो चैनल मेरा डिलीट हो चुका है। तो गाइज, उस पर 30,000 सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट होने वाले थे। तो कोई बात नहीं गाइज, मैंने न्यू चैनल बनाया तो इस पर पूरा सपोर्ट करो। मैं इस पर आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा सारे चैनल पर। सो गाइज, चेक कर सकते हैं वाइट हेडलैम्प इसका, ये इसकी हाई बीन एंड ये इसकी लो बीन। गाइज, आपको अभी इतना शायद पता ना लगे बट रात को काफ़ी ज़्यादा मस्त लगने वाला है। एंड गाइज, चेक कर सकते हैं कुछ इसकी लुक, यार लुक इतनी ज़्यादा मस्त आती है गाइज बाइक की, मतलब सेक्सी लुक आती है। पूरी आर वन वाली लुक देती है गाइज, जो उसका बड़ा बाप है R1000cc वाला, भाई पूरा वो लुक देता है। सो गाइज यार, 150 के सेगमेंट में इतनी ज़्यादा बेस्ट बाइक अगर आपको मिल रही है इंडिया के अंदर, यामाहा दे रही है आपको इतनी ज़्यादा बेस्ट लुक के साथ में, यार गाइज आपको और क्या ही चाहिए। सो गाइज, सेकंड बार कर लेते हैं गाइज इसकी ब्रेकिंग की। तो गाइज, ब्रेकिंग की बात करूँ, भाई मैंने अभी चला कर आया हूँ, भाई क्या बाइबर के इसके अंदर कैलिबर लगे हुए हैं। एंड गाइज, इसका डुअल चैनल है, ठीक है गाइज। एंड यार ABS में है, पूरा फुल ABS सस्पेंशन में है। एंड इसकी प्लेट चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है गाइज। एक दो गाइज, एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप लोगों को ज़्यादातर नहीं पता होगा, डीपली काफ़ी डीप चीज़ है। सो गाइज, इस वाली बाइक के अंदर है VVA। सो गाइज, VVA क्या होता है? VVA होती है एक ऐसी चीज़ कि भाई दो वाल काम करती है। तो गाइज, जब आपकी बाइक RPM 7,000 RPM से अप चली जाती है, तो गाइज आपकी चारों वाल काम करेंगी। एंड गाइज, 150 की सेगमेंट में आपकी बाइक भाई 150 ही टच करेगी अगर के। तो गाइज, ये वाला बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा बस्त है इस बाइक के अंदर, मतलब 150 सेगमेंट हो करके यार 140-150 ईजिली चली जाती है गाइज। VVA का ये फायदा होता है। एंड गाइज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, तो गाइज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 155 की सीसी में गाइज आप लोगों को बाइबर के कैलिबर इतनी जल्दी से नहीं मिलते। एंड गाइज, जो उसकी स्मूथनेस है भाई क्या ही बताऊँ मैं आपको यार। ब्रेकिंग के मामले में भाई साहब एकदम ना आपका व्हील उड़ जाएगी अगर आपने टाइट करके ब्रेक मार दिया भाई, बट ऐसा मत करना, हार्मफुल होगा आप लोगों के लिए भी। तो गाइज, बात कर लेते हैं अभी इसकी डिस्प्ले की। गाइज नहीं जाओ भाई, डिस्प्ले की बात करना, भाई डिस्प्ले का आप लोग चेक करेगा कितना ज़्यादा मसलूक आ रहा है। सो गाइज, अभी बात कर लेते हैं इसके चौथे बेनिफिट की। चौथा बेनिफिट क्या है? सो गाइज, इसके अंदर बात कर लेते हैं टायर की। सो गाइज, टायर जो है इसके अंदर दे रखा है 140 का टायर दे रखा है। एंड गाइज, MRF का ट्यूबलेस टायर दे रखा है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करता है लीनिंग होने में, काफ़ी ज़्यादा यार मतलब गड्ढे होते हैं ऑफ रोडिंग में, काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। अभी बात कर लेते हैं इसके रेयर टायर की। रेयर टायर भाई कितना सेगमेंट का है? सो गाइज, रेयर टायर जो है भाई इसका ये है 100/80/17 का इसका टायर है गाइस, जो कि काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ट देगा और लीन होने में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। भाई हमारी बाइक तो पूरी न्यू की न्यू है। एंड गाइस, अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई, अभी तक भी भाई इसमें एक भी पंक्चर नहीं हुआ है। काफ़ी ज़्यादा हार्ड इसकी गुड्डी दे रखी है बाइक की, भाई चेक करो आगे भाई, लुक चेक करो, लुक कितना ज़्यादा मस्त दे रखा है भाई टायर का, आगे का भी और पीछे का भी बहुत ज़्यादा मस्त टायर दे रखा है भाई। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ टायर ही होती है बाइक के अंदर, जो कि आपकी बाइक को बैलेंस करता है ऑफ रोडिंग में। सो गाइज, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेन चीज़ जो कि है, जैसे कि भाई आप लोगों को पता है ये वाली बाइक जो है ना स्पोर्ट बाइक है एंड पूरी फेयरिंग वाली बाइक है। सो गाइज, फेयरिंग वाली बाइक जो होती है उसमें क्या दिक्कत होती है गाइज? जो फेयरिंग वाली बाइक होती है उसके अंदर होते हैं काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन। सो गाइज, सबसे मस्त सबसे मेन चीज़ की ये है। सो गाइज, इस वाली बाइक के अंदर बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, पूरी स्मूथ बाइक है भाई। आप जब चलाओगे ना भाई, 6th गियर पे होंगे 4th गियर पे होंगे तो भाई पता नहीं लगेगा, भाई बिल्कुल स्मूथ बाइक जाएगी।
तो भाई मुझे भी अली मुझे ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी भाई इस बाइक की, कि यार इसके अंदर वाइब्रेशन नहीं है बिल्कुल भी, बाइक के अंदर पूरी स्मूथ चलती है एंड कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आती। ऑन रोड पे भी कोई मतलब कहीं बॉडी की भी कोई आवाज़ नहीं आती, जहाँ तक मैंने देखा है पूरी आवाज़ नहीं आती बॉडी की, पूरी बॉडी मतलब एकदम फिट एंड फाइन पूरी कर रखी है। सो गाइज जो बिगिनर्स देख रहे होंगे एंड जो आप ये वाली बाइक लेने वाले होंगे, सो गाइज वो सोच रहे होंगे कि यार भाई कम से कम इस बाइक का प्राइस तो बताओ। सो गाइज मैं प्राइस बताऊंगा आपको लास्ट में, पहले आप इस वाली बाइक को पूरा देखो, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स एंड इसके नेगेटिव पॉइंट्स को देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, तब भी आप वाली बाइक लेना कि यार के भाई ने कुछ भी चीज़ बताई है, तभी मैं आपको लास्ट में इसके प्राइस के बारे में बात करने वाला हूँ लास्ट में। काफ़ी ज़्यादा बेस्ट प्राइस है गाइस इसके। गाइस बेनिफिट्स तो आपने इसी बाइक के देख लिए होंगे, बेनिफिट्स बाकी मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगा जो अच्छे अच्छे और बेनिफिट्स हैं, जो थोड़े इंटरनली बेनिफिट्स हैं। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी नेगेटिव पॉइंट्स की। तो भाई इसके अंदर नेगेटिव सबसे फर्स्ट क्या है, तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ गाइस आपको भाई ये मेन चीज़, भाई ये जो देख रहे हो ना आप, ये भाई इतना हल्का पार्ट है ना गाइस, कसम से अगर कोई ऐसे हाथ रख दिया ना, या किसी कोई ऐसे हाथ रख के चढ़ गया, या कोई हैवी आदमी बैठ गया ना बाइक के ऊपर, तो भाई सबसे पहले इसकी जाएगी ये भाई टेल तो उसकी जाएगी। एंड यार ये दो विंग्स निकल रहे ना भाई, ये भी जाएंगे ही भाई, बहुत ही हल्के दे रखे हैं कंपनी ने भाई, सही सीरियसली गाइस बता रहा हूँ यार, ये मतलब ये इतना हल्का पार्ट दे रखा है ना, एंड ये ना खोखला है, मतलब यहाँ से चेक कर सकते हैं गाइस, मतलब हमारे देखो हाथ आर पार हो रहा है, तो मतलब आप खुद इससे आइडिया लगा सकते हैं कि यार ये कितना वीक दे रखा है ये वाला पॉइंट इन्होंने। तो भाई बंदा बैठेगा ना, उसकी थाइज ना यहाँ पर लगेगी, लगने के बाद ना जो बंदा हैवी होगा ना भाई ये तोड़ देगा, सीरियसली गाइस बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस होगा तोड़ देगा वो उसको, इस चीज़ को तोड़ देगा। सो गाइस यहीं की यहीं बात कर लेते हैं दूसरे नेगेटिव पॉइंट की। सो गाइस नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि यार इसकी सीट, गाइस आप लोगों को पता ही होगा जो लोग चलाते हैं बाइक एंड जो लोग लेने वाले हैं, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि यार जो V3 की सीट है ना गाइस सीरियसली बड़ी ज़्यादा हार्ड है यार, और यार घर की लेडीज़ तो उसमें बैठ ही नहीं सकती गाइस, काफ़ी ज़्यादा मतलब यार अनकम्फर्टेबल है, बंदे को ही पकड़ना पड़ेगा भाई साइड से, कोई पकड़ने के लिए कुछ चीज़ नहीं दे रखी, सिर्फ और सिर्फ ये स्टेप दिया हुआ है एक आपको पकड़ने के लिए, वो भी यार आधे पे स्टेप के आगे यहाँ तक आपको बैठना पड़ेगा एंड आपको स्टेप पकड़ना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, गर्लफ्रेंड्स वगैरह आपकी बैठ सकती है उसके अलावा, मतलब वो भी आपको चिपक के बैठ सकती है, पकड़ के बैठ सकती है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है गाइस, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा सीट इसकी हार्ड दे रखी है एंड यार बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है पीछे वाला बंदा भाई, सामने वाले साथ चिपक के पूरा बैठना पड़ेगा तभी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, उसके अलावा कंफर्ट नहीं है बाकी, ये तो सिंगल बाइक सिंगल है, स्पोर्ट बाइक सिंगल बंदे के लिए होती है लॉन्ग राइड के लिए, पीछे वाला बंदा बाइक मर जाएगा लॉन्ग राइड में, मर जाना पीछे बैठ के इसके। सो गाइस अभी बात कर लेते हैं इसकी यार सबसे मतलब जो मेन चीज़ है जो आपकी बॉडी को रिलैक्स देगा और नहीं देगा, तो बात कर लेते हैं इसकी यार हैंडलिंग की। गाइस काफ़ी ज़्यादा हैंडलिंग सीरियसली गाइस काफ़ी ज़्यादा हैंडलिंग डाउन है इसकी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड पे यार आप तबाही हो जाओगे, लॉन्ग राइड पे काफ़ी ज़्यादा आपकी पीठ में दर्द हो जाएगा, बैक में दर्द हो जाएगा गाइस। और यार मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ उसके पूरी हैंडलिंग वगैरह, भाई माइक वगैरह संभालो, ये देखो गाइस भाई कितना ज़्यादा पोस्चर कैसा आता है, मतलब इस टाइप का पोस्चर आता है पूरा भाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल है इसकी हैंडलिंग, तो यार मतलब इतना डाउन हो जाता है, और पीछे कोई बंदा बैठे ना तो भाई इतनी हो जाएगी, और भाई इस जगह दर्द आपके होना बनता ही है गाइस। तो भाई इसका एक ये भी मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा, बाकी आपको आपको पता है या आपको लगता है नेगेटिव पॉइंट आप बता देना, बट मुझे तो लगा जो मुझे लगा मैंने आपको बता दिया भाई, काफ़ी ज़्यादा हैंडलिंग इसका मतलब अनकम्फर्टेबल है, स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है बाइक की, बाकी ज़रा और काफ़ी चीज़ बड़ी बेस्ट है बाइक की, जो जो मुझे नेगेटिव पॉइंट्स लग रहे हैं एंड जो मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको जो नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा एंड पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा, सो गाइज अभी कभी कमेंट करके मुझे बता देना यार। सो गाइज अभी बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं नीचे बैठा हूँ आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे कौन सा नेगेटिव पॉइंट है, तो गाइज मैं बताने वाला हूँ आपको नेगेटिव पॉइंट, एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि गाइज इसका जो ये मडगार्ड है ना, मडगार्ड ये यहाँ पर देते हैं भाई कंपनी, यहाँ से यहाँ तक देती है ठीक है गाइज, और इसका काफ़ी ज़्यादा डाउन दे रखा है गाइस कंपनी ने, मतलब इस साइड दे रखा है, तो इजीली जब बाइक आपकी रेनिंग में चलती है, मतलब पानी होता है बारिश बारिश पड़ी होती है, तो गाइस सीरियसली गाइस सारी छींटें ना आपकी कमर पे आती है, मतलब पीछे वाले बंदे की कमर पे छींटें आती है, और ये वाली चीज़ ना पूरी गंदी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये भी गंदी हो जाती है, बंदा ना बैठा हो गंदी हो जाती है, अगर बंदा बैठा हो तो भाई इसकी पीठ पूरी गंदी हो जाएगी, तो गाइस ये भी ज़रा नेगेटिव पॉइंट है यार, इस चीज़ को थोड़ा नीचे रख देना चाहिए, या तो फिर इस चीज़ को थोड़ा यहाँ तक देना चाहिए ताकि यार बंदा बैठे पीछे रहा तो यार कंफर्ट हो, उसको पानी वानी से बचे, शीट वीट ना जाए, तो गाइज ये भी ज़रा एक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है कि अगर शादी में आ रहे बंदा कहीं जा रहा है घूमने के लिए भाई नए नए कपड़े पहने तो यार ये सारा गंदा हो जाएगा, उसके पीछे के कमर सारी गंदी हो जाएगी, तो यार एक ये भी पॉइंट है यार। जैसे कि आपको पता है 2023 चल रहा है गाइज एंड यार 2023 में भी इस वाली बाइक में एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि यार जो पाँचवा नेगेटिव पॉइंट है तो ये है कि भाई जो इसके इंडिकेटर है, सबसे भाई इंडिकेटर का आप लुक चेक कर ले लुक गाइज, अब ये देखिए गाइस इंडिकेटर ना से काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, मतलब यार कि अगर बंदा ऐसे करेगा ना तो एकदम चटक जाएंगे इंडिकेटर, ये तो एक होता है ना कि यार बंदा का साइड से निकले तो यार इंडिकेटर स्मूथ होते हैं, तो यार काफ़ी ज़्यादा मतलब सही लगता है कि ये तो एकदम टूटते नहीं है, बट इंडिकेटर काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, ये लगते ही टूट जाएंगे। एंड गाइज जैसे कि आपको पता है इस टाइम ज़माना है LED का, LED वाइट बल्ब का ज़माना है, बट यार इसमें दे रखे हैं हैलोजन
बल्ब दे रखे हैं इसके अंदर, जो कि अब के टाइम के नहीं है, जो पहले टाइम के आते हैं। एंड गाइस लुक भी चेक कर सकते हैं, लुक कितना ज़्यादा मतलब बेकार सा लुक है यार इसके इंडिकेटर्स का। मतलब इसमें ना वॉल इंडिकेटर नहीं चाहिए, पतले वाले होते हैं, आर एस के होते हैं एंड तुम्हारा ड्यूक के होते हैं, वॉल इंडिकेटर काफ़ी सारे मस्त लगते हैं इस वाले बाइक के ऊपर। बट इसमें दे रखे हैं थोड़ा गोल वाले इंडिकेटर दे रखे हैं एंड आगे भी ये वाले इंडिकेटर दे रखे हैं। चेक करें गाइस, ये मतलब देखो कि मतलब ऐसे हैं यार, हिल भी रहे हैं, न्यू बाइक है हमारी, बिल्कुल हिल भी रहे हैं इंडिकेटर। एंड यार कि अगर बंदा लग गया ना तो यार ये टूट जाएगा इंडिकेटर को, टूट जाएगा इंडिकेटर, इजीली टूट जाएगा, हमारा बाइक गिर गई तो टूट जाएगा। मतलब इसमें ना स्मूथनेस वाले इंडिकेटर नहीं दे रखे यार मुझे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इसका नेगेटिव पॉइंट लगा गाइस। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं इसके साइलेंसर की आवाज़ की, मतलब इस बाइक की आवाज़ की, कि यार इस वाली बाइक की आवाज़ कैसी दे रखी है कंपनी ने। मतलब अभी इसमें हमने कोई एग्जॉस्ट फिट नहीं कराया हुआ, कुछ नहीं फिट कराया हुआ, पूरी स्टॉक है, पूरी बाइक हमारी स्टॉक है, इसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशंस नहीं हुई है गाइस। अभी चलो चलते हैं गाइस, इसकी आवाज़ सुनते हैं यार। चेक कर सकते हैं गाइस कितनी ज़्यादा स्मूथ आवाज़ है इसकी। सो गाइस चेक करो कितनी ज़्यादा स्मूथ एंड कितनी ज़्यादा मस्त आवाज़ है बाइक की। भाई कोई इसमें फालतू का मतलब कोई इंजन की आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है, पूरी इंजन से पूरी साइलेंसर तक आवाज़ जा रही है बिल्कुल क्लियर, बीच में कोई नॉइस नहीं है, बीच में कोई टिक टिक पिक पिक कुछ भी नहीं है। भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है इसकी आवाज़ एकदम स्मूथ सी, कि अगर आप एग्जॉस्ट वगैरह कुछ लगवाएं तो यार आपकी आवाज़ बिल्कुल ज़्यादा मस्त निकलने वाली है आवाज़ बाइक से। प्राइस अभी बात कर लेते हैं भाई इसके प्राइस की। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे भाई आपने नेगेटिव पॉइंट्स भी बता दिए एंड पॉजिटिव पॉइंट भी बता दिए बाइक के, भाई अब बात कर लेते हैं गाइस इसके प्राइस की। सो गाइस इसका प्राइस मैं बताने वाला हूँ आपको, जो एक्स शोरूम प्राइस है सो गाइस वो है तुम्हारा 210,000, 210,000 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस होने वाला है अब के 2023 में। एंड गाइस बात कर लेते हैं इसका ऑन रोड प्राइस। सो गाइस कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर एक चीज़ करा के इसका प्राइस पड़ेगा आपको 235,000 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस आपको पड़ने वाला है गाइस। तो गाइस यार प्राइस का काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएबल है, क्योंकि गाइस यार 155 सीसी की बाइक, इतना ज़्यादा मस्त लुक, भाई पूरा आर1 वाला लुक है बाइक का, ठीक है, उसकी छोटी बहन है, ठीक है गाइस, जो आर1 भाई 1000 सीसी है उसका छोटा, पूरा उसका छोटा लुक दे रखा है गाइस। एंड यार बात कर लेते हैं इसके कलर्स की, तो भाई कलर्स इसमें ग्रे है, वाइट है जो कि आपके न्यू आया है, रेड है, भाई हमें तो रेड ज़्यादा सबसे ज़्यादा मस्त लगा, तो हमने रेड की ही डिलीवरी ली थी कंपनी से, भाई रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा मस्त दे रखा है भाई। सो गाइस प्राइस की बात भी हो चुकी है, बेनिफिट्स की बात भी हो चुकी है एंड इसकी नेगेटिव की बात भी हो चुकी है। सो गाइस आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो एंड अभी के अभी चैनल को कर दो सब्सक्राइब, मेरा न्यू चैनल है आप लोगों के लिए कर रहा हूँ इतनी ज़्यादा मेहनत। सो गाइस न्यू चैनल है तो यार उसको सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो पसंद आई हो वीडियो को भी लाइक करना एंड चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ एंड हेलमेट ऑलवेज, लव यू, बाय।